मेरा नाम विश्वनाथ रामचंद्र अभ्यंकर है बेसिकली मैं एमपी का रहने वाला हूँ एम पी डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी का रहने वाला कुछ दिन पहले मुझे कुछ थकान सी बहुत महसूस होती थी बाकी वो सब ओके था उसके कारण मेरा वज़न भी थोड़ा कम हुआ था चलने में भी दिक्कत आ रही थी अचानक एक दिन कुछ सांस फूलने लगी और इतना हुआ कि मैं बीच रास्ते में ही बैठना पड़ा वहाँ से उठकर जैसे ही आया तो डॉक्टर को वैसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया उसने कहा बीपी पी तो सही है आपका परंतु आपको कुछ तो भी एसिडिटी है शायद उसके बाद हमने एसिडिटी है तो एसिडिटी वाले को दिखाया परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ऐसे पाँच छः दिन निकल गए उसका कार्डियोलॉजिस्ट जो था उसको इतनी सुविधा नहीं थी डिस्ट्रिक्ट में रहने के कारण उसको दिखाया तो उसने कहा ये तो सीरियस मामला है दिल्ली आने के बाद आशीष सर आशीष अग्रवाल जो हैं इनसे पहले से भी परिचय था जयदीप का तो वो इनसे कांटेक्ट किया उन्होंने कहा भाई ठीक है आप ग्वालियर से डायरेक्ट ही हम यहीं हॉस्पिटल में आए और यहाँ देखा देख कर उन्होंने किया तो फैसला तो ये किया कि भाई वहाँ जो उन्होंने किया है उसी प्रकार हो सकता है परंतु आशीष सर ने एक और टेक्निक के लिए सुझाव दिया कि आप बाईपास ना करते हुए एक दूसरे प्रकार से एक टेक्निक है नई और उससे आपका एंजियोप्लास्टिक प्लास्टिक बाई रोटा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं तो उसमें आसानी होगी इजी भी होगा और फ्यूचर में भी सही रहेगा इस प्रकार से हम एंजियोप्लास्टिक प्लास्टिक की के ऊपर रोटा के ऊपर आए यहाँ आए आशीष सर ने देखा जाएगा बहुत ही होशियार डॉक्टर मैं समझता हूँ मैं बहुत लगन से अच्छी तरह से मेहनत से काम किया और मैं आज इसी इसी स्थिति में हूँ कि मैं आराम से चल फिर रहा हूँ और बाईपास से बच गया हूँ नमस्कार